हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा इंद्र कॉलोनी में रहने वाली जुबेदा को अचानक पेट में दर्द होने के बाद उसके पति अब्दुल खान ने उसे राजकीय अस्पताल लेकर गया। वहां मौजूद डॉक्टर भविष्य मंगलम ने जुबेदा का राजकीय चिकित्सालय में उपचार करने के बजाय अपने स्वयं के निजी क्लिनिक पर ले गया। वहां कुछ जांच करने के बाद जुबेदा के पति को डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट के अंदर हिलडुल नहीं रहा है और ऑपरेशन करने की सलाह देते हुए 5,000 रुपए उपचार के लिए मांगे। जुबेदा के पति ने डॉक्टर को पैसे देकर जुबेदा का उपचार प्रारंभ करवाया। ये ऑपरेशन 2 घंटे तक लंबा चला। डॉक्टर मंगलम ने केस बिगड़ता देखकर जुबेदा को आनंद फानन में राजकीय चिकित्सालय लेकर गया। अस्पताल में झूठे दस्तावेज तैयार कर जुबेदा को उदयपुर रेफर किया। गीतांजलि हॉस्पिटल में जुबेदा का उपचार के बाद डॉक्टर ने बताया कि मरीज के पेट के अंदर की छोटी आंत उपचार के दौरान 21 फीट काटी गई बताई। उदयपुर चिकित्सक ने कहा कि अब हमारे यहाँ उपचार संभव नहीं है, मरीज को उच्च चिकित्सा के लिए अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई ले जाने की सलाह दी। अपोलो में इलाज के लिए डॉक्टरों ने 40 लाख का खर्च बताया है, लेकिन इस गरीब परिवार के पास इतनी बड़ी रकम नहीं है जो इतना महंगा इलाज करा पाए। इस पूरे मामले में डॉक्टर की लापरवाही की सजा जुबेदा सहित पूरा परिवार भुगत रहा है। वहीं जुबेदा के पेट के अंदर से करीब 21 फीट छोटी आंत काटने के बाद उसका खाना पीना एकदम बंद हो गया है। वहीं उच्च अस्पताल में बड़े ऑपरेशन के लिए 40 लाख रुपए बताए हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं होने से परिजनों ने अस्पताल से उसे घर ले आए हैं। जुबेदा के घर में मातम छाया हुआ है। पति सहित 2 मासूम बच्चे माँ के ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 15 दिन के भीतर अगर जुबेदा का दूसरा बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ तो जुबेदा हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में चली जाएगी। इस पूरे मामले में सिरोही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुशील परमार ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों से मोटी रकम बटोरने को लेकर डॉक्टर कर रहे हैं निजी अस्पताल में मरीजों का इलाज। वहीं इस पूरे मामले में दोषी डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से फोन पर बातचीत की। उस दौरान डॉक्टर खुलकर पैसों की मांग के साथ उससे हुई गलती भी स्वीकार की है। फिर भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जांच का विषय बनकर ठंडे बस्ते में पूरा मामला डालने में लगी है। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन दोषी डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और जुबेदा के उच्च उपचार के लिए क्या कदम उठाते हैं। यहाँ से घर से हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में गवर्नमेंट कर्मचारी डॉक्टर भविष्य मंगल, उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट क्लिनिक में देखूंगा और उन्होंने वहाँ उनके द्वारा उन्होंने चेक किया वगैरह। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करने की सख्त जरूरत है और फिर उसने ऑपरेशन किया उसके प्राइवेट क्लिनिक के अंदर। फिर ज़्यादा गंभीर मतलब प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में हमको लेके गए और वहाँ लेके जाने के बाद उन्होंने हमको कोई बगैर बताए कि पूछे बगैर उन्होंने आगे हमको रेफर किया उदयपुर। तो उदयपुर में हम लेके गए तो उदयपुर में हमको डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है और उन्होंने अभी 5-10 मिनट के अंदर ऑपरेशन करने की सख्त जरूरत है, जो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ये उन्होंने हमको बताया। जब वहाँ गए फिर वहाँ हमको जाके पता चला कि पेशेंट के साथ हमारा ऐसा हुआ है। बाकी यहाँ से हमको इन्होंने बोला कि सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है, आप उदयपुर के लिए रेफर कर रहा हूँ, मैं लेके जाओ। इन्होंने हमको यहाँ कुछ बताया ही नहीं। फिर वहाँ हमको डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट रहता था हुआ पेट के अंदर आंत है ही नहीं है और आंत के कारण मतलब ये ऑपरेशन करने की सख्त जरूरत है। सिरोही से जागरूक टीवी के लिए भवानी सिंह की रिपोर्ट।